दोस्तों, इस होम वर्कआउट में जो वर्कआउट हम पहले, दूसरे और तीसरे दिन करेंगे, सेम वही वर्कआउट हम चौथे, पांचवें और छठे दिन भी करेंगे। सातवें दिन आपको बॉडी को रेस्ट देना होगा, जो कि रिकवरी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि पहले दिन आपको कौन सा वर्कआउट फॉलो करना है। वर्कआउट शुरू करने से पहले आप 5 मिनट का वार्म अप जरूर करें। हमारा पहले दिन का वर्कआउट है चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप का। सबसे पहले चेस्ट से शुरू कर लेते हैं। तो चेस्ट को जल्दी शेप में लाने के लिए यहाँ पर हम 3 किस्म की पुशअप लगाएंगे। सबसे पहले आपको नॉर्मल पुशअप लगाने हैं। दोस्तों, इस पुशअप को लगाने के लिए हमें अपने हाथ जमीन पर रखने हैं। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपको स्लो नीचे जाना है और स्लो ही ऊपर आना है। जब आप ऊपर की तरफ आओ तो आपका चेस्ट टाइट होना चाहिए। दोस्तों, दूसरी पुशअप को लगाने के लिए आपको अपने पैर किसी टेबल या कुर्सी पर रखना है और आपके हाथ जमीन पर होने चाहिए। आपकी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपको स्लो नीचे जाना है और स्लो ही ऊपर आना है। तीसरी पुशअप को लगाने के लिए आपको अपने हाथ किसी टेबल या बेंच पर रखने हैं। आपके पैर जमीन पर होने चाहिए। आपकी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपको पूरी ताकत के साथ में इस पुशअप को लगाना है। तो यहीं पर आपका चेस्ट का वर्कआउट फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं अपने शोल्डर एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें एक कुर्सी या टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी हिप को ऊपर की तरफ उठाना है और अपने हाथों को कुर्सी के पास में लेकर आना है। नीचे जाते समय आपका सर जमीन से टच होना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको स्लो नीचे जाना है और स्लो ही ऊपर आना है। दोस्तों, शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास एक फिटनेस बैंड होना चाहिए। अगर फिटनेस बैंड का इंतजाम नहीं है तो यहाँ पर आप 2 ईंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर डंबल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक इसी तरीके से आप डंबल की जगह दोनों हाथ में ईंट पकड़कर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, यहीं पर आपका शोल्डर का वर्कआउट फिनिश होता है। अब आपको ट्राइसेप का वर्कआउट करना है। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको किसी कुर्सी, सोफ़ा या फिर बेड का सहारा लेकर भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपके हाथ शोल्डर के पास में होने चाहिए। पूरा आपको नीचे जाना है और पूरी ताकत के साथ स्लो मोशन में ऊपर की तरफ आना है। दोस्तों, ट्राइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों से डायमंड का शेप बना लेना है। स्लो मोशन में आपको ये पुशअप लगानी है। इससे आपके ट्राइसेप का साइज तेजी से गेन होता है। तो यहीं पर आपका पहले दिन का वर्कआउट फिनिश हो जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे दिन की वर्कआउट की तरफ। सबसे पहले बैक का वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद में बाइसेप। तो बैक की पहली एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक मैट पर घुटनों के बल बैठना है, फिर कमर को झुकाते हुए हाथों को बिल्कुल सीधा आगे की तरफ लेकर जाना है और कुछ देर तक वहीं पर होल्ड करके फिर वापस आना है। इस एक्सरसाइज से आपकी बैक अच्छी तरह से स्ट्रेच होती है और बैक के सारे मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर आपको एक फिटनेस बैंड की ज़रूरत होगी, नहीं तो आप इस एक्सरसाइज को ईंट से भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास फिटनेस बैंड है तो उसे नीचे किसी चीज़ में फंसा लें। अगर फिटनेस बैंड नहीं है तो ठीक इसी तरीके से पोस्चर बनाकर आप इस एक्सरसाइज को ईंट से भी परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने बाइसेप वर्कआउट की तरफ। तो पहली एक्सरसाइज करने के लिए आपको चिनअप लगाने के लिए कोई जुगाड़ बनानी पड़ेगी। इस एक्सरसाइज से आपके बाइसेप का साइज तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, बाइसेप की दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने पैरों को किसी सोफे या कुर्सी के ऊपर रख सकते हैं। आपके हाथ शोल्डर विड्थ से न ज़्यादा बाहर की तरफ होने चाहिए और न ज़्यादा अंदर की तरफ होने चाहिए। आपके घुटने हल्के से मुड़े होने चाहिए और स्लो नीचे जाना है और पूरी ताकत के साथ स्लो ही ऊपर आना है। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने हाथ में एक पानी की बोतल या ईंट भी ले सकते हैं और ठीक इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे दिन की वर्कआउट की तरफ। इसमें हम लेग्स और एब्स की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आप बॉडी वेट स्क्वाट लगाएं। आपके पैर थोड़े से खुले होने चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपको स्लो नीचे जाना है और स्लो ही
ऊपर आना है। दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आप एक पैर कुर्सी या सोफे पर रखें और एक पैर एक कदम आगे की तरफ रखें। आपको स्लो फील करते हुए नीचे जाना है और स्लो ही आपको ऊपर आना है। दोस्तों एब्स की एक्सरसाइज करने के लिए आप एक मैट बिछाकर सबसे पहले पुशअप वाली पोजीशन पर आ जाएं। उसके बाद एक एक करके दोनों पैरों को बारी बारी करके स्लो मोशन में आगे पीछे की तरफ लेकर जाना है। दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज आपको नॉर्मल प्लैंक करनी है। इस एक्सरसाइज में आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपको कम से कम एक मिनट से भी ज़्यादा अपनी बॉडी को होल्ड करके रखना है। तो यहीं पर आपका पूरे हफ्ते का वर्कआउट फिनिश होता है। दोस्तों सेट और रेपिटेशन की बात करें तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है। दोस्तों अगर आप नए हैं और आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो पहले आप 2 सेट और 10 रेपिटेशन से शुरू कर सकते हैं, और अगर आप वर्कआउट करते रहते हैं तो आप 3 से 4 सेट और 15 से 20 रेपिटेशन तक जा सकते हैं, और हर सेट को लगाने के बाद में आपको 30 सेकंड का रेस्ट जरूर लेना है। दोस्तों बॉडी बनाने के लिए हमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगले वीडियो में हम आपको कुछ सस्ते और बेहतरीन प्रोटीन फूड के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरीके के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें। हेल्थ से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।